हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियलिस्टिक एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, यू ऑल आर प्रमोटेड टू 9th स्टैंडर्ड एंड नाउ यू इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर प्रिपरेशन। ग्रेट टाइम क्यों? इसके पहले आपने जो भी किया होगा वो सब भूल जाइए। पढ़ाई की होगी नहीं की होगी उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, बट नाउ इट्स द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर एम्स। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम ये लेक्चर खत्म होने के बाद हमारे गोल्स डिसाइड करेंगे। हाँ, हमें फ्यूचर में क्या बनना है ये डिसाइड करेंगे एंड व्हाट वी हैव टू डू टू अचीव दैट गोल्स, वी हैव टू डिसाइड दैट ऑल द थिंग्स। नाउ आपके दिल में सवाल होगा कि व्हाई दिस लेक्चर, व्हाई वी आर टेकिंग दिस कोर्स। सो दिस कोर्स इज फॉर टू क्लियर योर बेसिक्स। आपके जो बेसिक नॉलेज है वो हम क्लियर करेंगे इस कोर्स में। तो बेसिक क्यों क्लियर करना है, तो बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी हम बड़े होते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या हमें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी होती है, तो सबसे पहले वी नीड बेसिक्स। अगर बेसिक्स ही पक्का नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम देखते हैं हमारे बाजू में अगर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो फाउंडेशन बनाते हैं, गड्ढा खोदते, जमीन में गड्ढा खोदते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन जब पक्का होगा तभी उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी रहेगी। वैसे ही हमें पढ़ाई में वही स्ट्रेटेजी यूज करना है कि जब हमारा बेसिक क्लियर हो गए तभी हम पढ़ाई में अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने घर में कोई बड़े लोग हो गए, आपके भाई हो गए, आपके चाचा मामा, कोई आपसे बड़े लोग हो गए, तो उनसे पूछना कि जॉब के लिए सबसे पहले क्या लगता है। इफ यू गो फॉर एनी जॉब दे आस्क योर बेसिक्स, दे टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 8th 9th 10th में आपको जो पढ़ाया जाता है वो हमें सब पूछते हैं, उसका हमारा टेस्ट करते हैं कि वो हमारा कितना पक्का है और उसपे से दे जज कि हमारा दिमाग कितना चलता है, व्हाट इज अवर एप्टीट्यूड। सो हमें अभी से बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये चीजें अगर आप बाद में करने जाओगे तो बाद में आपके पास इतनी पढ़ाई होती है कि आप ये चीजें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता एंड देन यू फेल ऑन द फर्स्ट स्टेप। सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम फर्स्ट डे, नाउ ओनली यू हैव टू प्रिपेयर। और आपके जो गोल्स है वो डिसाइड करो, अभी से डिसाइड करो ताकि आप उसी इस पे जा सके। अगर हमें कहीं जाना हो, कहीं बाहर जाना हो और हमें रास्ता ही बताना हो तो हम जा सकते हैं क्या कहीं? नहीं जा सकते ना। तो इसलिए हमें हमारा रास्ता डिफाइन करना है, हमारा गोल डिफाइन करना है ताकि हम उस रास्ते से जा सके। अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पढ़ रहे मतलब क्या, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑन द वे, बट हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। वी कैन नॉट लर्न प्रॉपरली। सो हमें गोल डिसाइड करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए जितना भी आपको गाइडेंस चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हो, आपके घर में कोई बड़े लोग होंगे उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आपके स्कूल के टीचर्स होंगे उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो आपके लिए बहुत ऑप्शन है, ओनली यू शुड हैव विल टू डू इट। आपको आपने बस तय कर लेना है, हाँ मुझे ये करना है और मैं ये करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जब भी आप किसी से गाइडेंस लोगे तो ऐसे पर्सन से गाइडेंस लो जिसने वो चीज क्रैक की हुई है। मतलब जैसे अभी आपको अगर 12th में आपको IIT JEE का एग्जाम देना है IIT में जाने के लिए, तो आप ऐसे इंसान से गाइडेंस मत लो कि जो IIT JEE दे रहा है या फिर जिसने IIT JEE दी है बट ही इज नॉट सक्सेस। जो प्रिपरेशन कर रहा है उससे गाइडेंस मत लो, जिसने हु हैड गॉट IIT, हु हैड पास IIT JEE, उस बंदे से गाइडेंस लो। जो बंदा जिसने क्रैक या जो प्रोसेसिंग में है वो प्रोसेस तो डिफाइन कर सकता है, बट ही विल ऑल्सो डिफाइन हिज फेल्यूअर्स। वो अपनी जो कंस्टेंट है वो भी डिफाइन करेगा। तो ऐसे पर्सन से गाइडेंस मत लेना, गाइडेंस हमेशा उस पर्सन से लो जो पर्सन वो चीज क्रैक कर चुका है, क्योंकि उसको वो तुम्हें बहुत अच्छे से बताएगा और वो उसका उसके पास फेल्यूअर ये निगेटिव पॉइंट नहीं है। फेल्यूअर इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ये सही है दोस्तों, फेल्यूअर हमेशा सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन गाइडेंस के लिए जो पूरा जिसने वो क्रैक किया है उसी बंदे से गाइडेंस लो, क्योंकि हमारा जब हम फेल्यूअर के बारे में सुनते हैं किसी चीज के फेल्यूअर के बारे में तो हमारा ध्यान दो जगह पे बटा जाता है, एक टुवर्ड्स द सक्सेस एंड वन टुवर्ड्स फेल्यूअर। वी शुड नॉट हैव टू एम। आप एक टाइम पे दो रास्ते से जा सकते हो क्या?
नहीं जा सकते ना, एक ही रास्ते से जा सकते हो। तो इसीलिए हमेशा हमारा जो गोल है उसी पे ध्यान रखो, उसके आजू बाजू के जो भी कंस्टेंट होंगे, आपके एनवायरनमेंट में कुछ कंस्टेंट होंगे, आपके फैमिलीज में कुछ इश्यूज होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ इश्यूज होंगे, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि हर किसी का एम अलग अलग होता है। अगर कोई आपको किसी चीज के लिए ये कन्विंस करता है कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आप ये मत करो। जो आप अपने दिल को लगता है व्हाट यू थिंक इज ओनली बेटर एंड आई हैव टू डू ओनली दैट थिंग। जो भी कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि दिस इज बेटर और दैट इज बेटर, बट विच वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट्स बेस्ट। ओके, कोई फील्ड ऐसा नहीं होता कि ये फील्ड बेस्ट है वो फील्ड बेस्ट है, पर जो फील्ड में हम करियर कर रहे हैं, जो फील्ड हम कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आर्ट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेंटिंग्स, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, यू कैन गो फॉर डांस, एक्टिंग, यू कैन गो फॉर स्टडी, एनीथिंग, बट वॉट एवर यू आर डूइंग डू यूर बेस्ट। ओके, नाउ अभी बहुत हो गया, आपको बोर हो गया होगा, आपको लग रहा होगा टीचर अब कब शुरू करेंगे, तो चलो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस, तो साइंस का सबसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स आपने सुना होगा, किसी आपके घर में 11th 12th में कोई पढ़ रहा होगा तो उसके मुंह से हमेशा फिजिक्स ये वर्ड सुना होगा। फिजिक्स इज द वेरी कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ साइंस, साइंस का सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट फिजिक्स है, इसलिए हम सबसे पहले फिजिक्स ले रहे हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो फिजिक्स में। तो वी विल सी अवर फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशंस। फर्स्ट वी विल सी लॉज ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है? अगर कोई चीज वन प्लेस से अनादर प्लेस पे मूव हो रही है, इफ एनी थिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस, लेट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इफ अ थिंग इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी फोर्स, ड्यू टू एनी थिंग, इफ इट इज मूविंग देन वी से दैट द थिंग इज इन मोशन। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है, देन वी से दैट द थिंग इज इन मोशन। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन, एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज लॉज, व्हाट इज लॉ। अभी हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में कुछ रूल्स होते हैं, अगर हमारी मम्मी हमें बताती है हाँ ये चीज ऐसी करनी है, ये चीज ऐसे ही करनी है, हर एक के घर में कुछ 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 ना कुछ रूल्स होते हैं, तो ये जो रूल्स है ये स्पेसिफिक होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि हमें वो चीज कैसी करनी है। वही से मोशन के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें फिक्स है, वो फिक्स जो चीजें है उनको हम क्या कहेंगे, लॉज। वो क्या है, मोशन के लॉज है। तो मोशन मतलब क्या अभी हमने समझ लिया, लॉज मतलब क्या अभी वो भी हमने समझ लिया, तो हम मोशन में का सबसे पहला कंसेप्ट लेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वी विल टेक डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज वन पॉइंट से अनादर पॉइंट पे मूव हो रही है, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रही है, तो इफ दिस इज द रोड बाय विच आई एम ट्रेवलिंग, सो हाउ मच डिस्टेंस आई एम कवरिंग, दिस विल बी माय डिस्टेंस। ओके, दिस विल बी माय डिस्टेंस, माय डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ दिस रोड, लेंथ ऑफ दिस रोड विल बी माय डिस्टेंस कवर्ड। ओके, मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी थिंग एनी पर्सन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट थिंग और बाय दैट पर्सन। तो समझ में आ गया, डिस्टेंस मतलब एक्चुअली जो हम मूव कर रहे हैं, एक्चुअली जो पाथ से हम मूव कर रहे हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड एज अवर डिस्टेंस। नाउ वी विल सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है, बट दे आर नॉट सेम। हम हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ये अलग अलग कंसेप्ट है, दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी ये हमने ये डिस्टेंस के लिए ये एग्जाम्पल देखा, दिस डिस्टेंस कवर्ड, दिस एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस,
Now I will take the same example. If I am traveling from this point A to point B from by this path, if I am traveling by this path, this will be what? हमने अभी देखा कि this is what? Distance covered. Now this is distance covered, but what is displacement? So displacement is shortest distance. What is displacement? Shortest distance. What was distance? Distance was actual path. And what is displacement? Shortest distance. Shortest distance मतलब क्या? अभी अगर मैं ये A point से B point पे travel कर रही हूँ, तो this is my road. भले ही मैं इस path से travel कर रही हूँ, लेकिन which will be my shortest distance? This will be my shortest distance. This red color path is my distance covered. But this black color path is my shortest distance. ये छोटा है. A से B पे जाने के लिए सबसे छोटा distance कौन सा होगा? ये होगा. तो this is called as displacement. This is called as displacement. मतलब shortest distance covered is called as displacement. तो displacement को हम ये भी कह सकते हैं कि distance in specific direction. What is displacement? Distance in स्पेसिफिक डायरेक्शन. अभी उसका ऐसा क्यों कहा है? डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों कहा है? ये दिस इज अवर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस, दिस कैन बी अवर डिस्टेंस. इफ आई चेंज माय रोड, इफ अगर मैं दूसरे रोड से जाती हूँ, स्कूल के लिए होते हैं ना अलग अलग रोड्स होते हैं, हम अलग अलग रोड से जा सकते हैं. तो अगर ये एक रोड है, ये एक रोड है, तो आई कैन गो फ्रॉम दिस रोड. लेट दिस बी वन, लेट दिस बी टू. मैं ए वन से जा सकती हूँ, टू से जा सकती हूँ. मतलब मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है डिस्टेंस. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. वॉट एवर एक्चुअल पाथ आई एम गवर्निंग विल बी माय डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज रिमेन दिस. डिस्प्लेसमेंट चाहे मैं वन पाथ से जाऊं, चाहे मैं टू पाथ से जाऊं, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? ये ही रहेगा. ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ही मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा. मतलब डिस्टेंस इज स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसे मैं चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं चेंज कर सकती हूँ. दिस इज माय स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, अभी आपको समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में का फर्क? हम और अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल लेंगे. तो लेट नेहा ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए, अभी नेहा पॉइंट ए पे है, टू पॉइंट बी वाया पॉइंट सी. नेहा ए से बी पे वाया पॉइंट सी ट्रेवल कर रही है. लेंथ ऑफ दिस एसी इज 3 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ दिस सीबी इज 4 सेंटीमीटर. Then we have to find Neha is traveling from point A to B via point C. Neha A to B travel कर रही है via point C. तो distance covered कितना हो गया? This actual path. Actual path क्या है हमारा? This plus this. मतलब ये AC and CB. A to C, then C to B. Then what will be my actual path? What will be my distance covered? My distance covered will be AC plus CB. तो AC कितना है मेरा? 3 plus CB is 4. Then CB is always CB is total distance covered will be what? 3 plus 4 7 centimeter. ओके, नाउ अंडरस्टैंड डिस्टेंस कवर कैसे निकला है हमने. जो एक्चुअल हमारा पाथ है, दैट इज अवर डिस्टेंस. अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस तो हमें सबको पता होता है कि डिस्टेंस हमेशा हमें पता होता है. वो आप बोलोगे कि डिस्टेंस इतना छोटा कंसेप्ट मैं आपको समझा रही है, लेकिन यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस. ये हो गया डिस्टेंस, हमने अभी डिस्टेंस निकाल लिया. अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. तो अभी ए से बी पर अगर नेहा इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तो व्हाट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए व्हाट वी से डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उन दोनों के बीच में की स्ट्रेट लाइन होती है. ये याद में रखना दोस्तों, किसी भी दो पॉइंट में के बीच में का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में की स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस विल बी व्हाट, आई विल मार्क इट इन रेड कलर. दिस विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि ये ए और बी के बीच में की स्ट्रेट लाइन है, ए और बी के बीच में का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. दिस विल बी व्हाट माय डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में का अंतर. अभी अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सबने पाइथागोरस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, थ्री स्क्वेयर अंडर रूट. ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव. कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर. ओके, देन व्हाट विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट. अवर डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी. ए बी का जो लेंथ है, जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है, वही अपना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि ट्रैवल ए से बी, शी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, शी इज ट्रैवलिंग, हर इनिशियल पॉइंट इज सेम, फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो सेम इन बोथ केसेस, बट डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट. डिस्टेंस कवर्ड इज वॉट, 7 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट इज वॉट, 5 सेंटीमीटर. ओके, सो यू अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. और ये दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों के यूनिट्स क्या होंगे. ये लेंथ है, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द लेंथ ऑफ एनीथिंग. सो दोनों के एसआई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होगा मीटर. ओके, एंड सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर. ओके, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर एंड सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर. अभी आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैं जो भी लिखते जा रही हूँ अभी मेरा बोर्ड खत्म होने के बाद, आपने ये अपने नोटबुक में पॉज करके नोट कर लेना है. ये सारी नोट्स आपको नोट करना है ताकि आपको बाद में इसका यूज होगा. ये नोटबुक आपको हमेशा के लिए यूज होगी, एंड तक यूज होगी. तो अच्छे से एक नोटबुक मेंटेन करो और ये नोट सब अपने नोटबुक में नोट कीजिए, लिख लिया होगा. नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक. उसके पहले हम एक ये देखेंगे कि अगर हमारे घर में गाड़ी होती है तो गाड़ी में सामने एक मीटर जैसा होता है, तो उस पर हम देख सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो वो डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर. क्या कहते हैं उसे, अगर आपने देखा नहीं होगा तो बाहर जाइए और अपनी गाड़ी पे सामने देखिए. टू व्हीलर्स में भी होता है, फोर व्हीलर्स में भी होता है, सामने उस पर लिखा होता है कि आज तक हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है. वो डिवाइस जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं. एंड यू कैन दिस क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको डायरेक्ट किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि द डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी व्हीकल इज कॉल्ड एज. तो ये आपको अलग पेन से लिख के रखना है हमारे नोटबुक में, ऑडोमीटर इज दैट डिवाइस. ओके, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन सेम कंसेप्ट है क्या, नहीं, दीज आर ओनली सिमिलर कंसेप्ट. वैसे ही अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी भी ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन ये दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है. तो हम देखेंगे अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. तो वी विल सी स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, वी विल सी स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सबसे पहले देखेंगे स्पीड. स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड
डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम किसी यूनिट टाइम में, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, मतलब जैसे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें कौन बताएगा? स्पीड बताएगा. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, ये हमें कौन बताएगा? स्पीड बताएगा. ध्यान रखिए दोस्तों, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड. यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है. स्पीड जब हम निकालते हैं तब हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस कवर्ड देख रहे हैं. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसे हम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड भी कहते हैं. व्हाट वी से? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. अभी किसी भी चीज को, किसी कोई भी चीज अगर हम पर्टिकुलर टाइम के लिए देख रहे हैं, कितने टाइम में ये चीज हो रही है, ये अगर हम देख रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज इट्स रेट. अगर किसी चीज किसी पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? वो उस चीज का रेट है. पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई चीज कंप्लीट हो रही है तो वी से दैट इज द रेट ऑफ दैट थिंग, रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट थिंग. सो वी कॉल्ड स्पीड भी हम क्या देख रहे हैं? पर्टिकुलर टाइम के लिए देख रहे हैं. सो स्पीड को भी हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. ओके, नाउ वी विल सी यूनिट. सो अभी डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या है? एसआई. जनरली हम एसआई यूनिट लेते हैं कैलकुलेशन में, जनरली वी कंसिडर एसआई यूनिट. तो डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट है मीटर एंड टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड है. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड? यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. अभी हम स्पीड निकालने के लिए एक एग्जांपल लेंगे कि अगर जैसे रोहन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ट्रेवल कर रहा है रोहन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, द डिस्टेंस इज 10 मीटर. 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में रोहन 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो व्हाट विल बी द स्पीड? वी हैव टू फाइंड स्पीड, स्पीड ऑफ रोहन. तो स्पीड क्या होगा फिर? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड इज आवर ए बी, दैट इज 10 मीटर, दैट इज 10 अपॉन टाइम. टाइम कितना है हमारा? 5. तो व्हाट विल बी अवर स्पीड? 10 अपॉन 5. 10 अपॉन 5 इज 2. 2 मीटर. अभी यहाँ पे 10 का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर. और यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या था? मिनट. टाइम हमें मिनट में दे रखा है यहाँ पे, इसलिए हमारा जो स्पीड है वो क्या हो गया? 2 मीटर पर मिनट. क्या हो गया? 2 मीटर पर मिनट. मतलब 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. समझ में आ गया? अभी आप कहोगे कि हमारा यहाँ पे यूनिट तो हमने मीटर पर सेकंड देखा, पर इसमें तो यूनिट मीटर पर मिनट है. तो दोस्तों ये मीटर पर सेकंड जो है ये क्या है? ये कहाँ से लाया है हमने? एसआई यूनिट है. ये भी एसआई यूनिट है एंड दिस इज ऑल्सो एसआई यूनिट. सो दिस विल ऑल्सो बिकम एसआई यूनिट. ये जो मीटर पर सेकंड है ये एसआई यूनिट है. लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या देख रखा है? मिनट में दिया है. टाइम हमें मिनट में दिया है, इसलिए हमें यूनिट देते वक्त ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया है, जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया है, उसी यूनिट के टर्म्स में हम आंसर में भी लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन में हमें मिनट दिया है इसलिए आंसर में भी हम क्या लिखेंगे? मिनट, मीटर पर मिनट. अगर हमें इसमें, अगर हमको मीटर पर सेकेंड यूनिट देना होता तो हम क्या करते हैं? इसको 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. सबको आता है सेकंड में कन्वर्ट करना? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है. कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. तो सेकंड में कन्वर्ट करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं, तब हम ये यूनिट देते हैं इसको. हाँ, तब हम उसको मीटर पर सेकंड यूनिट देते. पर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन हमें इजी करवाना है. अगर हमें कैलकुलेशन इजी करना है तो हम सीधा मिनट में आंसर लिख देंगे. अगर पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसा यूनिट में आंसर लिखिए या फिर मीटर पर सेकंड में आंसर लिखिए, तो हमें कन्वर्ट करना है. पर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें, हमारे लिए कैलकुलेशन में ये इजी है, इसलिए हमने डायरेक्ट कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्ट कैलकुलेट किया है. एंड अवर स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो समझ में आ गया स्पीड मतलब क्या होता है? अभी हम देखेंगे व्हाट इज वेलोसिटी. स्पीड तो हमने देख लिया क्या होता है, अभी हम देखेंगे वेलोसिटी.
What is velocity? तो velocity is displacement per unit time. Speed क्या था? Distance covered per unit time. Velocity क्या है? Displacement per unit time. मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है. यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर्ड लेंगे स्पीड में, और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लेंगे. मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है. जैसे इसको हम कहते थे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, वैसे ही वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, वेलोसिटी को भी हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट भी सेम होगा. इसका मीटर है, इसका सेकंड है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. ओके, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. इसे हम, जैसे इसको हम डिस्टेंस कवर्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड कहते थे, वैसे ही हम इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. तो समझ में आ गया इन दोनों का डिफरेंस. ये दोनों सिमिलर है, लेकिन सेम है क्या? सिमिलर है, इसलिए इन दोनों के यूनिट सेम है. दोनों के यूनिट सेम है, क्यों? क्योंकि ये चीजें सिमिलर है. लेकिन सेम है क्या? सेम नहीं है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक है, ये हमें जानना है. स्पीड तो सबको पता होता है, स्पीड क्या होता है ये तो सबको पता होता है. लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखना दोस्तों कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो अभी हम सेम एग्जाम्पल लेंगे. अगर हमने यही एग्जाम्पल लिया कि रोहन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड 10 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में का इन 5 मिनट्स, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी? अभी वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. अभी मैंने अभी बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट. स्ट्रेट पाथ हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. स्ट्रेट पाथ इन दोनों पॉइंट में का यही है, इसलिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? यही डिस्टेंस होगा. ओके, तो इस केस में, ये केस में क्या हो रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है. ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. तो वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी और स्पीड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम दिया है. तो पर दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस. लेकिन ये हमेशा होगा क्या? सेम नहीं होगा. इस केस के लिए सेम है, इसमें वेलोसिटी और स्पीड भी सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है. जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी 10 मीटर ही था, और डिस्प्लेसमेंट में रेड मार्क से, रेड पेन से मार्क करूंगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. अभी हम और एक एग्जाम्पल लेंगे ये अच्छे से समझने के लिए. तो आई एम टेकिंग दिस सेकेंड एग्जाम्पल. तो इफ रिया इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाया पॉइंट सी. अभी हम जो पिछले बार हमने इसका एग्जाम्पल लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए, वो सेम एग्जाम्पल लेंगे. अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रेवल कर रही है वाया पॉइंट सी, ये डिस्टेंस कितना था हमारा? 3 मीटर. ये डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर. एंड लेट द टाइम टेकन बी 35 सेकेंड्स. ओके, कितने सेकेंड में ट्रेवल कर रही है ये? 35 सेकेंड्स में ट्रेवल कर रहे हैं. कितने सेकेंड्स में ट्रेवल कर रही है? 35 सेकेंड्स में. दिस इज टाइम. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी निकालना है. तो सबसे पहले हम स्पीड देखेंगे. फर्स्ट इज स्पीड. तो स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना था हमारा? हमने मेजर किया था डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 3 + 4 दैट इज 7. एंड व्हाट इज टाइम टेकन? टाइम टेकन इज 35 सेकेंड. ये हमें देके रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज अवर क्वेश्चन. ओके, सो टाइम टेकन इज 35 सेकेंड. सो अवर स्पीड विल बी
1 by 7 1 7 7 5 35 1 by 5 7 1 7 7 5 35 1 by 5 and what will be the unit meter per second what will be speed 1 by 5 meter per second now we will see velocity तो velocity क्या है हमारा अभी displacement upon time what is velocity displacement upon time तो हमने पहले ही देखा कि displacement क्या होता है भला ये travel a c b इस पाथ से कर रही है लेकिन what will be displacement displacement will be the shortest distance between these two points means this distance ये distance हमने निकाला था कितना आया था ये 5 meter this is our displacement so velocity will be displacement that is 5 upon time that is 35 second so 5 ones are 5 5 sevens are 35 so velocity will be 1/7 meter per second what will be the velocity 1/7 meter per second तो देखो इस केस में स्पीड ये जो केस लिया था हमने इसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम आए थे लेकिन इस केस में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग आए हैं ये अलग अलग आए हैं तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम ये क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन था इसलिए स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी लेकिन जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इज दिस स्ट्रेट लाइन दिस टोटल पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन सो इसमें वेलोसिटी और स्पीड का जो वैल्यू है वो अलग अलग आया है और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी हमेशा स्पीड से या तो कम रहेगी या स्पीड के बराबर रहेगी ओके क्यों कम रहेगी क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है लेकिन जो न्यूमरेटर है इसका जो न्यूमरेटर है ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमेशा इसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा और हमें पता है कि जिस चीज का न्यूमरेटर छोटा होता है वो नंबर भी छोटा होता है इसलिए इसका न्यूमरेटर छोटा है इसलिए हमेशा ये छोटी रहेगी या फिर ये जैसा ये केस है ये स्ट्रेट लाइन केस है इसमें क्या रहेगी इसके बराबर रहेगी देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड वैसे ही जैसे displacement is always less than equal to distance okay so enough for today friends today we learn what is velocity what is speed what is distance what is displacement sabse pehle humne sikha what is motion motion kya hota hai and then we learn the laws of motion we learn the difference between distance displacement we learn the distance difference between speed and velocity ye concept hame same lagti hai lekin same nahi hai these are the similar concept but these are not the same concept ye yaad rakhna hai aur I will give you some examples to solve some in pdf format in our whatsapp group or I will mail you have to solve that example and if you have any difficulty in solving that example or if you have any difficulty related to concept which I have learned you can message me on this whatsapp number message me on whatsapp or you can ask me the difficulty in our discussion session okay so aaj ke liye itna hi dosto aapko jo homework diya gaya hai wo please regularly kijiye you are in 9th standard aap abhi bacche nahi ho aapko samjhane ki zarurat nahi padni chahiye roz mujhe roz homework hona chahiye aur roz डाउट जो पढ़ाई करता है उसे डाउट आते हैं अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तभी आपको डाउट नहीं आएंगे इफ यू विल स्टडी आपको डाउट आएंगे सो आप पढ़ो आपको जो जो डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर डिस्कशन सेक्शन में पूछिए मैं आपके सब डाउट सॉल्व करूंगी एंड इफ यू आर लैगिंग इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक इफ यू वॉन्ट दैट टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस क्लास यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप अगर मुझे पॉसिबल हो तो मैं तो आपका वो टॉपिक कवर करके दूंगी चाहे वो प्रीवियस आपका जो प्रीवियस क्लासेस है उनका भी हो तो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे यू जस्ट टेल मी इफ आई मुझे पॉसिबल होगा तो मैं ये सब कवर करूंगी सो थैंक यू फ्रेंड्स